नमस्कार कोपरेटिव टॉक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है ये टॉक्स इसलिए भी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं रिजर्व बैंक के निदेशक श्री सतीश मराठे जी सतीश मराठे जी का ताल्लुक सहकार भारती से है और सहकार भारती में जो कोई भी आता है उसका इन्फ्लुएंस संघ पर ज्यादा होता है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनसे जानना और समझना जरूरी है कि सहकारिता के बारे में सरकार और इनकी विचारधारा की सोच क्या है कॉपरेटिव बैंक्स एक संकट के दौर से गुजर रहा है और उस वक्त में आप सबसे महत्वपूर्ण जगह पर बैठे हुए हैं तो क्या कोई वे आउट दिख रहा है कोई रास्ता दिख रहा है कि कॉपरेटिव बैंक फिर से अपनी पुरानी ख्याति बहाल कर ले ये जो इंप्रेशन है यह टोटली गलत है अभी 24 दिसंबर को रिजर्व बैंक का लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट रिजर्व बैंक ने पब्लिश किया है उसके ही मैं फिगर्स दे रहा हूँ पूरे देश में लगभग 1550 बैंक्स हैं उन 1550 बैंक में लगभग 1200 बैंक्स ए और बी रेटेड हैं केवल 70 बैंक्स डी रेटेड हैं ये जो ए और बी रेटेड बैंक्स हैं उनके पास टोटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग का जो बिजनेस है वो 85 परसेंट है तो किसी को यदि लगता होगा कि ये बैंक्स जो हमारी है वो वीक हैं बंद होने जा रही हैं सेक्टर बिखर रहा है ये टोटली गलत पिक्चर है और भी कुछ मैं फिगर्स आपसे शेयर करना चाहूँगा जबकि पूरे देश में कैपिटल एडिक्वेसी के निमित्त तो बैंकों में के बारे में चर्चा हो रही है आपको सुनकर शायद आश्चर्य लगेगा कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का कैपिटल एडिक्वेसी साढ़े चौदह परसेंट है आज के दिन में यानी नौ परसेंट की अपेक्षा है उससे साढ़े पांच परसेंट अधिक है कैपिटल एडिक्वेसी कि इसकी रिस्क बेरिंग कैपेसिटी की स्ट्रेंथ इससे रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि कुछ बैंक फेल हुई और मीडिया में बहुत बड़ा हाइप हुआ लेकिन एक बताइए गढ़ने की बात है कि कॉपरेटिव बैंक जैसे आप नंबर बता रहे हैं कि बड़े नंबर में अच्छा कर रहे हैं और मार्केट में आना है प्राइवेट प्लेयर्स को उनकी नज़र पड़ी है तो क्या आपको लगता है कहीं कोई ऐसी बात हो रही है नैरेटिव गढ़ने में कि कॉपरेटिव बैंक इस देश में कोलेप्स कर गया खत्म हो गया उसमें जो न्यू इंट्रेंड हैं जो नए आने वाले लोग हैं प्राइवेट बैंकर्स हैं उनकी कोई भूमिका आपको नजर आती है या कहीं से उसकी तहकीकत कराने की कोशिश की है आपने हाँ ऐसा नहीं है ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को ख़त्म करने के लिए नए इंट्रेंस कुछ प्रयास करते हैं ऐसा सॉलिटरी कहीं ब्रांच लेवल पे, ब्रांच मैनेजर के लेवल पे होता होगा बट एज ए सेक्टर ये कोई नहीं कर रहा है अनफॉर्चुनेट पोर्शन ऐसा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स शहरों में है मीडिया के नज़रों में है तो कंटिन्यूसली उसके ऊपर फोकस आता है हो क्या रहा है कि जैसे हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बढ़ रही है उन्होंने काफ़ी कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अपने स्टाफ को ट्रेन करना एक्सपोजर्स देना ये एक कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं कभी वीक लिंक मिल जाती है तो इट इज़ द प्राइवेट सेक्टर यूजिंग द कोऑपरेटिव बैंक्स टू चीट द पब्लिक देखिए एक मेजर टूल से कोपरेटिव खासकर कोऑपरेटिव बैंक्स छोटे छोटे बैंक्स जो फार्मर्स को लेंडिंग करते हैं मौके पर करते हैं और उसके बिना कोई बड़ा ग्रास रूट पर आपका कोई सोशल चेंज नहीं हो सकता उस सोशल को आप जिस हालत में अभी है जिस जिस हवाक में में, है, घबराहट हालत उससे तो निकालना पड़ेगा हाँ मान लिया बिल्कुल तो वो वो कैसे निकलेगा? आप कैसे देख रहे कितने समय निकलेगा? एक साल, दो साल ढाई साल नहीं देखिए हमारे बैंकिंग में दो सेगमेंट्स से, हैं। एक DCCBs है और एक एस टी है और एक तरफ अर्बन बैंक है।, है तो अर्बन बैंकोंग इनफैक्ट मैं हर जहां भी जाता हूँ और मैंने पिछले दो साल में काफ़ी राज्यों में फेडरेशंस के साथ भी इंटरेक्ट किया मैंने कहा कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पब्लिक के सामने लाइए और जब आप एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करते हैं अपनी अपनी अचीवमेंट्स देते हैं उसके साथ सेक्टर की स्ट्रेंथ भी लिखिए अभी ये जो डी सी की बात है ना ये डी सी में ऐसा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और वो कैपिटल हर बार स्टेट गवर्नमेंट्स जितनी क्वांटिटी में देने की आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की आवश्यकता है वो नहीं दे पाते और फिर ये कैपिटल मार्केट्स को या पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर पाते आज जो हमने फिनेंस मिनिस्टर से भेंट की तो मैंने उनको आज एक सहकार भारती की ओर से हमने एक निवेदन दिया कि जैसे लास्ट ईयर के बजट में आपने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने के लिए सेबी को डायरेक्शन देकर एक प्लेटफॉर्म देने के लिए कहा ऑन बी एस सी एंड एन एस सी उसी प्रकार अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को बॉन्ड्स इशू करने के लिए और सेबी को आप डायरेक्ट कीजिए कि हमें कोऑपरेटिव सेक्टर को भी एक प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि फिर हमारी शुगर फैक्ट्रीज़ हो हमारी जिनिंग कॉटन मिल्स हो हमारे कोऑपरेटिव हॉस्पिटल्स बड़े मात्रा में आज खुल रहे हैं जो कैपिटल इंटेंसिव हैं उनकी लॉन्ग टर्म फंड्स की व्यवस्था कौन करेगा गवर्नमेंट हर बार नहीं कर सकती आज आपकी मुलाकात हुई वित्त मंत्री से या आपने भारती के हवाला सबसे तो मुलाकात की उस मुलाकात में क्या कुछ होने जा रहा है जो हम एक फरवरी को बजट की जब उद्घोषणा होगी उसमें देखने जा रहे हैं जैसा वो क्या होगा वो तो हम नहीं बोल सकते हमने क्या मांग की ये तो मैं बोल सकता हूँ हमने सबसे पहली मांग की है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए पूर्ण अधिकार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंड करके हाँ रिजर्व बैंक को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए ये सबसे पहला हमारा आज का निवेदन था दूसरा निवेदन हमने किया है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर जो आज केवल एक लाख है वो कम से कम पाँच लाख किया जाए उसी के साथ दो चीज़ें हमने और कही है पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के डिपॉजिटर्स फ्रॉड के कारण उनका नुकसान हो रहा है वैसे ही मुंबई के नज़दीक पेंण नाम का गांव है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ के पेंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भी फ्रॉड हुआ और वहाँ के भी डिपॉज़िट तो उनके लिए डी आई सी के एक्ट में ज़रूरत पड़ी तो एमेंड करते हुए जो डिपॉजिटर्स ने पब्लिश्ड बैलेंस शीट्स और विच सेड टू परसेंट एन है ये अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन है ये देखकर इन्वेस्टमेंट किया था उनका पूरा पैसा मिलना चाहिए ये उसके साथ हमने दूसरी डिमांड की है तीसरी हमने डिमांड की है कि आपने कंपनीज़ एक्ट में जो एंटिटीज रजिस्टर्ड हैं उनके लिए तो टैक्स कम कर दिया बट कोऑपरेटिव सेक्टर में भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोसेसिंग करती हैं मार्केटिंग करती हैं प्रोडक्शन करती हैं तो उनकी तो कोई गलती नहीं है बात तो उनके लिए भी इनकम टैक्स आप कम कीजिए से पहले की जो स्थिति थी उसको बुलाने की एक टैक्स फ्री था नहीं टैक्स उसके लिए तो मैंने उनको कहा टैक्स फ्री के बारे में वो तो हम कहते रहते हैं बट फॉरगेट टैक्स फ्री मैंने कहा कि उनको आप यदि बीस ट्वेंटी परसेंट पे लाते हैं तो हमने क्या गलती की है कि हम थर्टी थ्री परसेंट दें आपको तो पुट इट ऑन पारक ये किया है।, है लास्ट आइट लास्ट आइटम हमने उसके अंदर उनको ऐसे कहा है कि हमारी देश की जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं जो हमारे देश की प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके तरफ इनकम टैक्स की बहुत नोटिस रही हैं वो कभी टीडीएस के निमित्त आती है कभी इंटरेस्ट के आती है कभी नॉन मेंबर ऐसे अलग अलग इश्यूज़ हैं जिस दिन से आपने वैद्यनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद का जो रूल बन गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया लॉ बन गया उस लॉ के आधार पर वी आर ड्यूटी बाउंड टू फॉलो इट पुराना दस साल का पहले का ये सब मामला निकल कर उसे कोई मतलब नहीं होगा वील ऑन तो उन्होंने कहा कि यस हम गंभीरता से, से इसका विचार करेंगे। आपसे तो बैंकिंग के बारे में बात करते हुए अच्छा लग डेमोक्रेसी है वहां सियासत है इसके बिना तो आप रह नहीं सकते तो इस डेमोक्रेसी में थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि जब ये सरकार बनी छह साल पहले आपकी विचारधारा और संघ की विचारधारा के व्यक्ति की तो 2012 में सन्तावनवाइ नाइन संविधान संशोधन एक मिसाल के तौर पे था सरकार के सामने जिसमें था कि कॉपरेटिव को और डेमोक्रेटाइज किया जाए डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया जाए उसे मजबूत किया जाए और वाइबल बनाया जाए जिसकी बात हम कर रहे हैं कि वाइबलिटी कहीं ना कहीं इस वजह से भी आघात हो रहा है उसमें कि डेमोक्रेटाइजेशन में कोई दिक्कत है छह साल हो गए और मैं एज ए जर्नलिस्ट में देख रहा हूँ कि जितने भी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें आपके संघ से विचारधारा वाले लोग ऊपर बैठी नहीं बाल अलग लोग बैठे हुए हैं ऐसा क्या हो गया है और क्यों नहीं आप सक्सेस कर चीज कर पा रहे नहीं मैं आप फोकस देखिए सहकार भारती का ओरिजिन जो है दैट इज समाइम इन सेवेंटी फाइव सेवनटी सेवन में चर्चा शुरू हुई एंड वी फॉर्मली हमने रजिस्ट्रेशन करके उसका रजिस्ट्रेशन सेवेंटी नाइन में किया और तब से आज लगभग चालीस साल होने आए मैं चालीस साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और देख हमारा दो फोकस रहा है और दैट इज़ रिलेवेंट एंड दैट इज़ अल्टीमेटली गिव द रिज़ल्ट पहला रहा है कि कॉपरेटिव में विश्वास रखने वाले और कॉपरेटिवस को वैल्यूज़ को समझकर कर कोऑपरेटिव संस्था चलाने वाले पूरे देश में एक कार्य सहकारी कार्यकर्ताओं की और सहकारी समितियों की एक श्रृंखला बने पूरे देश। वी आर क्रिएटिंग ए चेन ऑफ कॉपरेटर्स एंड कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशन्स नंबर वन और आपके सवाल का अब जवाब देता हूँ इलेक्शन कंटेस्ट करना कुछ लोगों को कहीं भेज देना कहीं फेडरेशन में एसोसिएशन यहाँ वहाँ एडजस्टमेंट करके हम कुछ कर सकते थे हमने किया नहीं उसका कारण है कि आपने इंग्लिश वर्ड सुना है ट्विडर डी एंड ट्विडर डम यदि हम अच्छा नेतृत्व जिसकी कमिटमेंट कोऑपरेटिव से है, जिसकी कमिटमेंट समाज के उत्थान के लिए आर्थिक माध्यम के रूप में कोऑपरेटिव को देखकर करते हैं ऐसे कमिटमेंट वाली लीडरशिप यदि हम खड़ा नहीं कर पाते तो आज मेरे जगह आप जाकर बैठेंगे बट इफ यू डोंट डू डिफरेंटली ट एक्ट डिफरेंटली समाज का कोई बेनिफिट नहीं है ना आसो से और आज एक रैट रेस में जाकर हम भी हा? हम कुछ वहां जाएंगे कुछ लोग चुन कर आएंगे आज ऐसा हो नहीं, नहीं और आज ऐसे होते हुए भी हम इलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट न करते हुए भी सभी सेक्टर्स में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता अलग अब यू नेम फिशरीज यू नेम डेयरी यू नेम क्रेडिट यू नेम बैंक यू नेम हाउसिंग हम सब जगह पहुंचे एक सवाल मेरा हाँ। लीजिए चालीस साल पुरानी संस्था आपके मुताबिक ठीक कर रही है भी देख रहे हैं लेकिन जब उस विचारधारा की सरकार आई उस समय कोऑपरेटिव को हटा करके और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देने की बात कर रही है सरकार तो आप अपने ही लोगों को अपनी विचारधारा के लोगों को कॉपरेटिव में उसका विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोलो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो कॉपरेटिव की सहकार की भूमिका थी उसके पैरल कुछ और विकल्प दो तो इसको सहकारिता या सहकार भारती की इसमें सफलता देखते हैं या फिर नहीं यही मैं आपको कहता हूँ दो चीजों को हमको समझना पड़ेगा एफ का जो रूट गवर्नमेंट ने ये शुरू किया ये मोदी जी ने नहीं किया आ, नहीं लेट मी से उसके पहले से शुरू हुआ यानी आप थोड़ा इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ 2014 इट्स मच अर्लियर तो एक रेडीमेड मॉडल था जिसको उन्होंने प्रमोट करने की बात की आज पूरे देश में एफ को आप देखेंगे तो आठ दस हज़ार एफ रजिस्टर हुए हैं एंड नॉट मोर देन टू थाउजेंड आर सक्सेसफुल अब तो क्रांति बनी हुई है अब तो जिस हिसाब से, आप से तो आप ग्राउंड रियलिटी देखिए एफ नहीं हो रहे उसका और अगेन ये एक एक तो वो मैं पहले चित्र स्पष्ट करना चाहता था कि हमारे विचारधारा के हमारे सहयोगी मित्र भले हम बीजेपी में मैं नहीं हूँ ना तो काम करता हूँ फिर भी हाँ विचारधारा के लोग होते हैं तो दे हैव नॉट प्रमोटेड दिस नंबर वन नंबर टू आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लार्जर दायरे में आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन ये दोनों स्टेट्स जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये दोनों सब्जेक्ट्स प्राइमरली स्टेट लिस्ट में आते हैं ये केंद्र सरकार की भूमिका ओवरऑल एक एनवायरनमेंट मैनेज करते हुए पुरे, पुरे, करने वाला ये फेडरल ये फे, फेडरल स्ट्रक्चर फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन नहीं फेडरल स्ट्रक्चर में नहीं, आप, एक, आप नहीं जिम्मेदारी नहीं, सकते नहीं मैं जिम्मेदारी से नहीं हट रहा हूँ मैं बोल फेडरल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन ये दोनों सब्जेक्ट स्टेट्स के हैं अभी ये दोनों सब्जेक्ट स्टेट्स के होने से जो मैं पहले शुरुआत में आपको कह रहा था कि हमारे स्टेट कॉपरेटिव एक्ट्स ये हमारे हैज टू बी री रिटन राष्ट्रीय सहकारी संघ एक एपेक्स बॉडी है जो तमाम सहकारी ठीक पिछले दिनों उसका विभाजन हुआ अच्छा मैं समझ गया आप कहां जा रहे ओके शिक्षा हाँ। को या प्रशिक्षण को इस एपेक्स बॉडी से अलग कर दिया गया और यह एपेक्स बॉडी तो सहकारिता सहकारी संघ के तौर पर रजिस्टर्ड है एक नया संस्था जो आप थोड़ी देर पहले एनजीओ उस एन जी ओ के आइडेंटिटी में इसी के एक विभाग को रजिस्टर कर दिया गया इसको कहाँ तक वैध मानते हैं और आने वाला भविष्य क्या इसी ढंग से वाला रहेगा? नहीं दो चीज़ों का मैं आपको कहना चाहूँगा जो आपने एन सी और एनसीसीटी अलग वाली बात है कि देखिए एन सी आई का जो रोल है असलियत में वो इस आंदोलन को कोऑपरेटिव आंदोलन को मूवमेंट को मजबूत करना इस आंदोलन में नए कुछ प्रयोग करवाना नई संस्थाएं खुलवाना एडवोकेसी करना ये बेसिकली किसी भी नेशनल लेवल के एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका रहती है अपने देश में उनके पास ट्रेनिंग का भी काम दिया गया आपको ध्यान में होगा हिस्टोरिकली ये काम था रिजर्व बैंक के पास ईयर्स बैक अब वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज फोकस्ड एरिया अलग अलग का रहता है तो इनके पास टेम्पररीली दिया जाए समय समय पे एन को अलग किया जाए ऐसे पाँच या छः एक्सपर्ट कमिटी के रिपोर्ट हैं एन को अलग किया जाए करके और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोफेशनलाइजिंग द कोऑपरेटिव्स एक केडर उस के अंदर जो निर्माण होने की आवश्यकता है एक्सपर्ट्स की वो निर्माण करने का काम एन से अपेक्षित था अनफॉर्चुनेटली आप पिछले एक साल का नहीं आप दस पंद्रह साल के फिगर्स देख कर निकालिए जितना इसमें काम आवश्यक था वो बहुत कम हुआ नंबर वन और ये आज के देश में बहुत बड़ी आवश्यकता है जबकि अपने देश में साढ़े आठ लाख से अधिक एट एंड हाफ लैक्स एंड मोर कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं और लगभग 28 करोड़ जनता इससे जुड़ी आप, हुई है। अमेरिका से ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन हाँ, कोऑपरेटिव हाँ, अप, अपना है तो ऐसे सेक्टर की एक प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और सुचारू रूप से सहकारी संस्थाएँ चलाए उसके लिए जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता थी वो एन नहीं कर पाई आप उसके यू कम टू योर ओन कंक्लूजन नहीं नहीं नहीं, मेरा सिर्फ नहीं, ये कहना नहीं, है, नहीं अगर नहीं, नहीं कर पा रही नहीं, थी, तो कोई नई संस्था खड़ी कर दी थी, जाती बजाय आप उसके एक विभाग को विभाजित करके नहीं, नहीं ऐसा नहीं किया गया एक नया ट्रस्ट सोसाइटी के रूप में निर्माण किया गया उनके पास ये काम दिया गया है और एक जैसे अपने देश में नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनती है टू से टूडे कि वो आगे चलकर आई एम बनेगी कोई मैं कहूं तो कोई विश्वास नहीं रखेगा बट द होल विजन इज कि अपने देश में इंस्टीट्यूट ऑफ उसके मुझसे तो रहा नहीं गया आपसे आप नहीं, 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 आप लेकिन, मैं, मैं लेकिन मैं, मेरा जो संस्था कोऑपरेटिव लीडर्स के द्वारा उसकी जरूरत के हिसाब से चलाई जा रही थी कोऑपरेटिव फंडिंग से चलाई जा रही थी ठीक है वो अच्छा नहीं कर रही हो कम कर रहे? आ, आ, ऐसा संभव है अच्छा बुरा संभव नहीं। जितना चाहिए और उस संस्था को तोड़ करके एक नई संस्था बनाई जाए उसके बजाय नई संस्था खड़ी कर दी जाए उतने कॉस्ट की जा सकती थी और अब क्या है सिचुएशन उसमें आप सहकारिता के फंडिंग का इस्तेमाल सरकारी लीडर्स के फंडिंग का इस्तेमाल या सरकारी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है सरकारी था और कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो उस हिसाब से हो सकता था उसको आप सरकारी मल्टी स्टेट कोपरेटिव एक्ट में निबंधित करते रजिस्टर्ड करते बजाय कि उसे प्राइवेट एन के तौर पर लेट अगेन देखिए केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस नाम की एक कंसेप्ट अभी घोषित की आपने पढ़ा होगा और ऐसी संस्था जो है वो ऐसी संस्था कोई भी कॉपरेटिव में नहीं है उसका कारण बोलता हूँ कॉपरेटिव लॉज जो है अनफॉर्चुनेटली हाँ दे आर रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दे नीड टू बी री रिटर्न मैं हर बार जो आपको बोल रहा हूँ तीन तीसरी बार मैं आप बोल रहा हूँ कि अपने देश के कोऑपरेटिव लॉज नीड टू बी री रिटर्न हमारी जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं ना जिनको हम सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस के लिए बना रहे हैं उसके कानून में भी अड़चन आ रही है फंडिंग के लिए और इस फंडिंग के कारण इसमें यह ऐसा किया जा रहा है कि आप एक नया एस पी बनाइए हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर में भी फंडिंग के इशूज़ आएंगे क्योंकि एक नेशनल लेवल की यदि एक आपको बड़ी संस्था करना हो तो देर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ यूज कैपिटल आउटले और वो यूज कैपिटल कैन नॉट कम ओनली फ्रॉम कोऑपरेटिव सेक्टर चालीस साल से आप सहकारिता कर रहे हैं आंदोलन से जुड़े हैं दुनिया के अलग अलग देशों की सहकारिता आपने देखी है भारतीय सहकारिता को कहाँ खड़ा देखते हैं आप मैं एक भारतीय सहकारिता की पोटेंशियलिटी को देखते हुए हाँ? हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमने कुछ किया नहीं आपसे बात करते हुए लग नहीं रहा है कि इसे खत्म किया जाए समय, समय एक सीमा होती है और आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छा करेगा हाँ, पक्का करेगा मुझे पूरा विश्वास है तो ये थे सतीश मराठे साहब जिनसे बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज जहाँ वो बैठे हुए हैं वो ये भी तय करने वाले हैं कि कॉपरेटिव आने वाले दिनों में कैसा करेगा और अगर वो कह रहे हैं कि अच्छा करेगा तो इस बात पे यकीन नहीं करने का कोई आधार नहीं बनता धन्यवाद